ये गुड़ वाले क्रीम रोल बापू जी आपके लिए बनाए थे और ये लट्टू बच्चों के लिए बनाए थे। आप मुझे अन्नपूर्णा बुलाते हैं बापू जी, और आज देखे ने मेरे घर से सब 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 भूखे पेट चले। सॉरी, आई एम सॉरी अनु। आप क्यों सॉरी? आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो सब संभालने की कोशिश की, फिर भी जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। देखिए ना, मैंने इतना सब कुछ उनके लिए बनाया था, और वो घर जाकर दूध ब्रेड खाकर दवाई ले रहे होंगे। देखो अब खाना बनाने का तो टाइम नहीं है इतना जल्दी, तो आज ये ब्रेड बटर और दूध से ही काम चला लेंगे। मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया था, स्टार्टर्स भी नहीं खाए, मुझे लगा कि मम्मी के हाथ का खाना मिलेगा। Who the hell are these guys? इनका नाम है गेस्ट लिस्ट में? नहीं मैम। मिस्टर शाह से को मिसेस मेहता से सॉरी बोली। सिर्फ इनसे ही नहीं, इस ओल्ड मैन से भी कहिए कि मुझसे माफी मांगे। प्रेम, पहचान, सपना, सम्मान, आपने मुझे वो सब दिया है जो एक पति दे सकता है, उससे भी कहीं ज्यादा। देखिए वो खाना अच्छा बनने के बाद जेब से संतरे की टोपी निकाल के देना, इमली की टोपी निकाल के देना, वो एक पति नहीं सिर्फ पिता कर सकता है। फ्रिज में साल में एक बार पानी की बोतल भर के रख देना, और फिर ऐसे ऐसे लुक देना कि पूरे घर का काम हम ही करते हैं, वो सिर्फ बच्चे ही कर सकते हैं। तारीफों को ताने में लपेट कर सिर्फ बाई दे सकती है। मुझे वो ताने, वो लुक और टोपी सब चाहिए, सब सब सब। पता है पहले मैं सपने देखने से डरती थी, पर आप ही ने सिखाया, आप ही ने हिम्मत दी कि सपने देखो, पर अब मुझे सपने देखना अच्छा लगता है। और पता है मेरा सपना क्या है? कि मेरे दोनों परिवार मेरे पास रहे। आप हमेशा कहते हैं ना कि मैं जो मिलता है उसमें मान क्यों जाती हूँ, जिद क्यों नहीं करती, तो आज मैं जिद करती हूँ कि मुझे मेरे दोनों परिवार चाहिए, मुझे ये या वो नहीं चाहिए, मुझे दोनों 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 चाहिए, मुझे दोनों में से किसी एक को नहीं चुनना है, मुझे दोनों चाहिए। अनु, हमारे लेन में एक बंगलो बिक रहा है, मैं सोच रहा हूं भाई और भाभी के लिए वो ले लूं। सॉरी, मैंने आपसे ये सब इसलिए नहीं कहा कि मुझे भाई या भाभी से कोई परेशानी है, जरा भी परेशानी नहीं है उनसे। अगर फोटो में भी परिवार अलग खड़ा होता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अगर सच में ये परिवार अलग हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। काम डाउन, बस बस। आप ही मत सोचिएगा भाई भाभी, आप मत सोचिएगा। मैं तुम्हारे लिए नहीं उनके लिए कह रहा था अनु। वो लोग यूएस से आए हैं, उनका जिंदगी जीने का तरीका, लाइफ स्टाइल, तौर तरीका हमसे अलग है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। I'm sure भाई और भाभी भी यही चाहेंगे eventually। और एक बात याद रखना, अलग होने में और टूटने में बहुत फर्क होता है। हमारे घर अलग हो सकते हैं पर परिवार वो एक ही रहेगा।
अभी तो परिवार मिला भी नहीं है और आप अभी से अलग होने की बातें करें। एक बात कहूं, हो सकता है तुम्हें सुनने में बुरी लगे, मैं आए हाँ? अनु मुझे पता नहीं लेकिन ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली में रहने का सपना कहीं सिर्फ सपना तो नहीं हाँ? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये इतना अच्छा होता तो शायद सब लोग एक साथ रह रहे होते ना। लेकिन जब भी कोई एक साथ रहता है तो ना जाने क्यों घर का जो सबसे सीधा सबसे अच्छा होता है ना उसी को सब कुछ सुनना पड़ता है। कभी फैमिली वैल्यूज के नाम पे, कभी ट्रेडिशंस के नाम पे, कभी घर की शांति के नाम पे सुनना पड़ता है। जैसे तुमने सुना है, बरसों बरसों सुना है तुमने, 26 सालों तक सिर्फ सुनती आई हो। और मैं नहीं चाहता कि मेरी अनु की आने वाली जिंदगी में उसकी गुजरी हुई जिंदगी का एक भी दिन उसे दोबारा जीना पड़े इस घर में। उन 26 सालों का एक दिन तो क्या है? एक भी पल मुझे नहीं जीना पड़ेगा क्योंकि यहां आप मेरे साथ हैं। देना भूल गया मैंने, रख दो फिर कभी काम आ जाएगी। देना भूल गया, देने का मन नहीं किया वे। मेरी हिम्मत नहीं हुई कब है। उस घर में कालीन इतने महंगे लगे थे कि उनपे पांव रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी, तो फिर ये गिफ्ट कैसे देता। लेकिन अनुज को गिफ्ट की कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ जानता हूं, पर यू नो एनीवेज छोड़ो ये सब। तुम अनुपमा के लिए खुश हो? बहुत बहुत खुश हूँ। तो फिर यही अनुपमा और अनुज के लिए सबसे बड़ा सबसे कीमती तोहफा है। पर आप भाई और भाभी से कुछ मत कहिए। तुम अब भी उनकी फिक्र कर रही हो और मैं तुम्हारी। सुनिए ने, मानती हूँ कि जॉइंट फैमिली में रहना आसान नहीं है, मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। अगर आसान होता तो हर कोई जॉइंट फैमिली में रहता ना। आप चारों धाम में से एक धाम की भी यात्रा करने में हालत खराब हो जाती है। तो परिवार एक तीर्थ है, अपने आप में चारों धाम है, तो वहां तक पहुंचना आसान कैसे हो सकता है हा? परिवार बनता नहीं है, बनाना पड़ता है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि घर में जो सबसे सच्चा है उसे सबसे ज्यादा मोल चुकाना पड़ता है। पर जब तक वो मोल प्रेम और सम्मान ना हो तब तक सौदा बहुत सस्ता है। मैं अपना परिवार बनाने के लिए कोई भी कीमत चुका सकती हूँ, कोई भी कीमत चुकाऊंगी, बस अपना प्रेम और सम्मान नहीं दूंगी। आपने 26 साल तक तपस्या की है तब जाके हमारी जोड़ी बनी है। अब परिवार बनाने के लिए थोड़ा तप तो करना ही पड़ेगा ना कपाड़िया जी। फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि ये अनुज कपाड़िया अपनी वाइफ के लिए इतना पागल क्यों है। अरे क्यों ना हो, मेरी वाइफ है ही ऐसी। मैं सीना ठोक के बोलता हूं कि माय वाइफ इज द बेस्ट वाइफ। अब आप नहीं, शी इज रिलैक्स, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। अनुपमा जब इस घर से गई थी तब सोचा था कि अपनी माँ के घर जाएगी, रोएगी, गली के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगी, लेकिन वो तो कपाड़िया एम्पायर की मालकिन बन गई। क्या किस्मत है ना? नहीं नहीं, किस्मत नहीं है, हिम्मत है। क्योंकि इतने सालों में उसे इतना तो जान गई हूं कि वो वहां रहकर भी मिसेस कपाड़िया नहीं अनुपमा बनकर रहेगी। वो वहां रहकर भी अपनी पहचान बनाएगी। उसने घर छोड़ने की, दुनिया से लड़ने की, यहाँ तक कि अनुज का हाथ पकड़ने की हिम्मत दिखाई। बहुत मुश्किल था लेकिन फिर भी उसने किया और करेगी। मिडिल एज में आके उसने वो सारी चीजें की जिसका यंग लड़कियां सिर्फ सपना देखती हैं।
देखो भी, अनुपमा अनुज के साथ खुश है और उनकी खुशी में हम भी खुश हैं। That's enough, वी। आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाऊं। मैं जानती हूं भूलना आसान नहीं है, लेकिन अगर बात बढ़ेगी ना तो इससे सबसे ज्यादा तकलीफ अनुपमा को ही होगी, और हम अनुपमा को बहुत तकलीफ दे चुके हैं भी। अब हम और कुछ नहीं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि उसे खुश रहने दे। दोनों फैमिलीज के बीच एक लकीर बना लेते हैं भी। दोनों दूर रहेंगे तो टकराएंगे नहीं, और आज जो हुआ उसमें अनुपमा की कोई गलती नहीं है। अरे वो ऐसा करना तो दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है भी। I know. ना अनुपमा कभी ऐसा करेगी और ना ही अनुज, लेकिन अनुज के परिवार वाले बहुत कुछ कर सकते हैं। ईगो और जरूरत में से तुमने जरूरत को चुना। लेकिन वो अनुपमा के रिश्तेदार हैं वी, हमें उनसे क्या लेना देना। तुमने कुछ खाया नहीं है, मैं तुम्हारे लिए दूध और टोस्ट लेकर आती हूँ। ओके, मैं अपना फोन भूल गई। काव्या, थैंक यू। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।